हेलो, वेलकम बैक टू न्यू क्वांटम क्लासेस। इन अर्लियर वीडियो ऑफ 10th क्लास केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आई डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन और सिंपली वी कैन सी दैट मैंने आपको बताया था जितने पदार्थ आप यूज कर रहे हैं उन पदार्थों में हर एक पदार्थ के अंदर आपको क्या दिख रहा है, कार्बन और उसके कंपाउंड्स। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम कार्बन के अंदर पाए जाने वाले डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को डिस्कस करेंगे कुछ और एग्जांपल की मदद से। तो सबसे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला जो एटम है वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप जानते हो, हाइड्रोजन का एटम ही नंबर 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन केवल 1 होता है, के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन के पास वाला जो इनर्ट गैस है वो हीलियम है। हीलियम का एटम नंबर 2 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यही होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन को हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अक्वायर करना है। इसके लिए हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम से या हाइड्रोजन से ही 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और सेटिस्फाई होकर के सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो पहला इलेक्ट्रॉन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल के अंदर, के शेल के अंदर। टू बिकम स्टेबल इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन स्टेबल बनने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अक्वायर करने के लिए उसे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ती है। एंस टू हाइड्रोजन एटम शेयर टुगेदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं सिंपली कि दो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ईच टू फॉर्म अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए दो एटम मान लीजिए तो 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अ 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उसी 2 इलेक्ट्रॉन को हम 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, सबसे पहले हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है। यहाँ दूसरा हाइड्रोजन का एटम दिखाया गया है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। जब हाइड्रोजन का एटम होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और डैश जो लगा देते हैं, लाइन बना देते हैं छोटी सी, इसे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैस इसे बोलते हैं, जो हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉन एज अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। इन दिस वे बोथ द हाइड्रोजन, इस तरीके से बोथ द हाइड्रोजन एटम बिकम स्टेबल, दोनों हाइड्रोजन एटम स्टेबल हो जाएंगे। हैव सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ इनर्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम। क्या कुछ है ना, और एलिमेंट का भी इनर्ट गैस हीलियम जैसे इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है? हाँ होता है, जैसे लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और वो हीलियम जैसा बन जाता है। बेरिलियम भी कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, किसी को दे सकता है, लूज कर सकता है, तो बेरिलियम के पास भी हो सकता है। ठीक है, बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो कोवेलेंस ही दिखाता है। ठीक है, एक और है क्लोरीन। क्लोरीन आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करता है और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक और एग्जांपल पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड का, CH4। CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन के 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, चाहे अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड या फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीजन का एटम नंबर 8 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कि एल सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। तो अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, शेयरिंग हो जाए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनर्ट गैस नियॉन जैसा हो जाएगा और स्टेबिलिटी प्राप्त हो जाएगी। तो टू अटेन द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नियॉन बाय ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर शेयरिंग और गेटिंग। या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या फिर शेयरिंग करेगा। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनने के लिए, O2 बनाने के लिए
दो दो अलग अलग ऑक्सीजन के एटम्स दिखाए गए हैं, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्सीजन के आसपास आपने डॉट लगा रखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा। डॉट से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरो के बाद ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, उसमें आप देख रहे हो 4-4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आसपास दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसे बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर या डबल बॉन्ड या टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। तो देख रहे हैं ये यहाँ पे 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर अप बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इस वजह से डबल बॉन्ड बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ गए। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड एथीन के अंदर होता है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सारे कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन कर लेते हैं। हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका 7 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.5 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2.5, मतलब ये हुआ के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और एयर शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे 3 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी इसका इनर्ट गैस नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, नाइट्रोजन हैज़ अ 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सो 2 नाइट्रोजन एटम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, कितने करेंगे इलेक्ट्रॉन को 3 ईच टू फॉर्म अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और सारे नाइट्रोजन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का सेंस ये हुआ कि यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3, यहाँ पर नाइट्रोजन के देखो, तो हम जैसे हम खाना खाते हैं तो सामने, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन शेयर 3-3 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे दिखा दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया और ट्रिपल बॉन्ड बन गया। एक एक लॉन पेयर या 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे हुए हैं, इन्हें हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के एक्सप्लेनेशंस। अब हम और भी कुछ, ये जो एटम थे वो मॉलिक्यूल थे वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल थे। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का सेंस होता है कि एक जैसे एटम का पार्टिसिपेट करना, ठीक है। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की डिस्कशन, ठीक है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल का डिस्कशन। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब बात करते हैं H2O मॉलिक्यूल की, तो वही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो हमने पहले देख लिया, ऑक्सीजन का भी देख लिया 2.6। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बॉन्ड, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा हर एक ऑक्सीजन के साथ, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। तो हाइड्रोजन की कहानी बता दी, हाइड्रोजन का एटम ये है, ऑक्सीजन का एटम साइज में बड़ा है इसलिए यहाँ पे बड़ा दिखा दिया है, और ये हाइड्रोजन का एटम है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कम्प्लीट हो जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लेगा, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लेगा, इसे मैं ऐसे बना सकता हूँ, जैसे ऑक्सीजन है तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा देंगे ऐसे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो हमें क्या करना है, यहाँ हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया ऐसे हाइड्रोजन का, ठीक है, ये हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये बीच में ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी। ये मैंने आपको करके दिखा दिया है, यहाँ सामने आपको दिख रहा है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं उन्हें हम लोन पेयर कहते हैं, या कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या कहते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,